अनंत कोटि श्री साईनाथ महाराज की जय। टीम साई पूजा की तरफ से सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम साई बाबा की कृपा से श्रवण करेंगे अध्याय 21। श्री भी वही एच ठाकुर अंतराव पाटनकर और पंडरपुर के वकील की कथाएं। इस अध्याय में हेमाड पंत ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर बीए श्री अंतराव पाटनकर पुणे निवासी तथा पंडरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। ये सब कथाएं अति मनोरंजक है। यदि इनका सारांश मनन पूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पथ पर पाठकगण अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारंभ। यह एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ हेमाड पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां आया करते थे। उनके मुजावर पुजारी ने हेमाड पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे ना हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विषय में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णत एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार परस्पर कमी की पूर्ति करते हैं और निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री वही एच ठाकुर बीए रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप वडगाम नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल्य दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो वेदांत के विषय में है, का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा सब जब कार्य करते करते कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर को हो गया, जहाँ के नाने घाट पार करके जाना पड़ता और यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था। इसीलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात ही उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया, जो वहां उनका नाना साहेब चंदोरकर से परिचय हो गया। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा होने लगी। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। थाने के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ ना जा सके। इस कारण नाना साहेब अकेले ही रवाना हो गए। थाने पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसीलिए उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए।
उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा कि इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं है जितना कि कानड़ी संत तप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंस के सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने हेतु गर्भ में शब्द सुने जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जान सकता था तो उनके हर्ष का पारावार ना रहा। उन्होंने उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था, उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या है। गुरु कृपा के बिना ग्रंथ अवलोकन तथा आत्मानुभूति निर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें श्रेणी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी सत्य का और अधिक सशक्त प्रमाण है। श्री अंतराव पाटनकर, पूना के एक महाशय श्री अंतराव पाटनकर श्री साईं बाबा के दर्शनों के इच्छुक थे। उन्हें शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शनों से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथा योग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने तुम बहुत कुछ पठन किया, वेद वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति ना मिल सकी, इसीलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक नीरा ज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथ अवलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपने दृष्टि मात्र से ही विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलता पूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर भी मैं यहाँ आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। तब बाबा ने निम्नलिखित कथा कही। घोड़ी की लीद के नौ गोले। नवविदा भक्ति। एक समय एक सौदागर यहाँ आया, उसके समुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के नौ गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटनकर इस कथा का कुछ भी अर्थ ना समझ सके, इसीलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वह तुम से कहता हूँ। घोड़ी है इश्क कृपा और नौ एकत्रित गोले नवविदा भक्ति यथा श्रवण कीर्तन नाम स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्यता और आत्मनिवेदन। ये भक्ति के नौ प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्तों के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप तप योग अभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपूर्ण ना हो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर नौ प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता और मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटनकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के नौ गोले एकत्रित किए। उन्होंने कहा कि मैं अनाशित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलतापूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी
के तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। जिसे सुनकर श्री पाटन करके हर्ष का पारावार ना रहा। पंढरपुर के वकील भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देने की बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर के एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठकर वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते हैं और दक्षिणा देते हैं, परंतु भीतर से पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी ही पड़ी, क्योंकि कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहेब इसका गूढ़ अर्थ समझ गए। फिर भी वे नत शिर बैठे रहे। वाड़े को लौटकर वकील साहब ने काका साहब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया है और जो कुछ मेरी ओर लक्ष्य कर कहा था वह सत्य है। वे केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा ना करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ है, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उससे छुटकारा पाना संभव है, और क्या श्री नूलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग की अवलंबन करना उचित है। उस समय नूलकर का और साथ ही श्री साईं बाबा भी बहुत उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया। श्री साईं बाबा ने मेरे उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपकार है, जो केवल परामर्श के है कि मुझे किसी की निंदा न करनी चाहिए और ना ही दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है, फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता जान लिया कि बारूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियां, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा ना थे। वे सबके हृदय की गुण बातें जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा ना था, समीपस्थ या दूरस्थ। प्रत्येक वस्तु उन्हें दिन के प्रकाश के समान ही ज्वल्यमान तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल ना थी। इस घटना से वकील को शिक्षा मिली कि किसी की छिद्रन्वेषण एवं निंदा ना करनी चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब को ही नहीं वर्ण सबको शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका, ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी भी तदनुरूप ही है, क्योंकि वे परब्रह्म स्वरूप हैं। ओम श्री सद्गुरु साईनाथम अर्पण वस्तु शिवम भवतु। टीम साई पूजा की तरफ से अध्याय 21 संपूर्ण हुआ। वापिस हम कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। ओम साई राम, जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम, जय साईं राम।